इससे पहले गजा पीने वाला सरकार था, वो भी जनता दरबार लगाते थे, सरकार आपके द्वार लगाते थे। अब तारी पीने वाला सरकार आया, ये भी मतलब सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लगा रहे हैं, लेकिन विधिवत जो काम होनी चाहिए वो काम नहीं हो रहा है। बगल में स्कूल है, हाँ आप मेरे साथ चलिए, आपको दिखाएंगे। इतना बदतर हालत है, इतना बदतर हालत है कि आप देखिएगा तो आपको रोना आ जाएगा। कि पिछले बार जब सरकार द्वार पे आई थी, जब मैंने फॉर्म जमा किया था, तो उन कर्मचारी से हम पूछना चाहते हैं कि आप पूरा का पूरा इस पंचायत का फॉर्म कहाँ है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शायद राज्य सरकार द्वारा इस वजह से शुरू किया गया था ताकि राज्य की जनता के परेशानी का हल निकाला जाए, पर आए दिन सरकार आपके द्वार कार्यक्रम से लोग निराश हो वापस लौट रहे हैं। गोड्डा के नेपुरा पंचायत में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में ग्रामीण निराश दिखे। ग्रामीणों ने कहा कि यह कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार द्वारा ईडी और आईटी की छापेमारी को छिपाने के लिए किया जा रहा है, ताकि लोगों का ध्यान उस ओर न जाए। ग्रामीणों ने सरकार द्वारा लगाए गए स्टॉल पर भी आपत्ति जाहिर की। ग्रामीणों ने कहा कि यह क्षेत्र किसानों का क्षेत्र है, इस वर्ष खेती कम हुई है, जरूरत थी कि कृषि विभाग का स्टॉल यहां लगाना चाहिए था पर नहीं लगा। इधर आपत्ति जाहिर करते हुए एक ग्रामीण ने कहा कि चाहे सरकार कोई भी हो, सिर्फ जनता को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम रुपेश यादव है, मैं ककना गांव का ही। सर देखिए, मार्क्सवाद का एक सिद्धांत है कि आप किसी जनता को, आप अगर किसी जनता को किसी नीचे से नीचे कर्म में ढकेलना चाहते हैं ना, तो कोई बड़ा सा पोजीशन कर दीजिए, जैसे कि आप यहाँ ऊपर देख रहे हैं। सबको पता है कि ये होगा कुछ नहीं, क्योंकि इससे पहले भी बहुत हो चुका है, बहुत बार लग चुका है, बहुत बार सरकार द्वार तक आ गई है, आ गई है, लेकिन हम लोगों का जो अर्ज है उसके द्वार पे नहीं जाए। कारण है क्योंकि इस पे देखिए हेमेश्वरन पे ईडी पड़ा, छापा मारा है, इसलिए वो चाह रहा है कि जितना भी यहाँ पर जनता है वो उस चीज पे ध्यान ना दे के इस चीज पे ध्यान दे, क्योंकि आज आ गया इसी में आप देखिएगा 6 महीना सब लगा रहेगा कि मेरा फॉर्म गया है, मेरा फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ, बस ये वो देखेगा, कागज बनाने के दौड़ते रहो, आप दौड़ते रहो, इससे क्या होगा, जनता को, जनता उसमें देखेगा ही नहीं कि ईडी का छापा पड़ रहा है, यहाँ झारखंड का सामान कहीं और जा रहा है, लूट रहा है, देखेगा ही नहीं। इससे क्या होता है, सरकार यही चाहती है, क्योंकि मार्क्सवाद से सिद्धांत कहता है कि जो भी आप जनता को जितना से छोटा कर्म में उसे ढकेल दीजिए, जिससे कि जो बड़ा वहाँ पोस्ट पे बैठा है वो उसके तरफ उसे कोई ध्यान नहीं दे, जिससे क्या होता है जनता कुछ नहीं होगा। सरकार दावा कर रही है, सरकार आपके द्वार जा करके आपका सॉल्व कर रही है समस्या, आपका आपका फॉर्म जमा कर रही है, आपको लाभ पहुंचा रही है, गांव में अभी आपके लगा है, क्या मतलब रिपोर्ट है? देखिए किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले छोटा यानी गांव को देखना पड़ता है, और गांव तभी, कोई भी देश तभी सुधरता है जब उसका एजुकेशन अच्छा रहेगा। अब बगल में स्कूल है, हाँ आप मेरे साथ चलिए, आपको दिखाएंगे। इतना बदतर हालत है, इतना बदतर हालत है कि आप देखिएगा तो आपको रोना आ जाएगा कि कैसा है, क्योंकि सरकार ध्यान देगा ही नहीं, उसे पता है, क्योंकि जनता पढ़ लिख लेगी उस पर सवाल करेगी, और इससे अच्छा है सवाल करने से अच्छा कुछ और चीज में ढकेल दे, जैसे कि आप मेला लगा दिए, मेला लगा दिए लगा ही दिए मेला, और इस मेला में आप घूमिए, मेला घूमिए, तारा मछी देखिए आपका जो फॉर्म है 6 महीना उसमें घूमिए, आपको कुछ नहीं करना है, बस इसी में आप घूमिए, 6 महीना खत्म, फिर कोई उस पे ईडी या कोई छापा मारेगा, फिर मेला लगा देगा, फिर जो बोले ध्यान भटका देगा, ये ना ध्यान भटका साफ तौर पर तुम कहना यही चाहते हो, साफ ये ध्यान भटकाइए, बस ध्यान भटकाना है, बस काम नहीं होता है, कुछ नहीं काम, क्योंकि आप देखिए सबसे मेन होता है एजुकेशन, आप एजुकेशन के ऊपर ध्यान देते हैं, बगल में स्कूल है वहाँ का इतना स्थिति खराब है कि क्या बोले आप, मतलब गाजा पीने वाले सरकार से लेकर तारी पीने वाली सरकार तक सिर्फ ये खाना पूर्ति हो रहा है, ये सिर्फ खाना पूर्ति है, जितना यहाँ स्टॉल लगाए सब में काम हो पा रहा है, यहाँ जनता को पता ही नहीं कि किस चीज का स्टॉल, जिस चीज का स्टॉल लगाना चाहिए उसका नाम रहना चाहिए, देखिए सिर्फ यहाँ पर प्रचार हो रहा है सरकार का, किसी भी स्टॉल में बताइए कि यह स्टॉल किस लिए है, क्योंकि यहाँ पर अनपढ़ लोग जाते हैं, उसको पता नहीं है, पढ़े लिखे भी जहाँ वो भी नहीं समझ पा रहे कि यह स्टॉल किसका है, वह स्टॉल किसका है, वह स्टॉल किसका है, किसी भी स्टॉल पर आप देख लीजिए कि जिस काम के लिए वह स्टॉल लगाए उसका नाम लिखा हो, यानी कि उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रहा, साफ शब्दों में यही कहना चाहते हैं। सरकार आपके द्वार आपके गांव में लगा हुआ है, क्या कहेंगे, क्या क्या काम हो पाया या क्या क्या नहीं हो पाया या कितना सुचारू रूप से चल रहा है? सरकार तो हम लोग के द्वार पे आ गए हैं, और हम लोग जनप्रतिनिधि होने के नाते हर एक द्वार पे जाते भी हैं, हर एक पंचायत जाते भी हैं, पर सबसे मूलतः जो एक परेशानी आ रही है, जो हमारा कर्मचारी जो पिछले 6 महीने से जो मतलब धरने पे बैठे हुए हैं, उसके कारण हम लोग का जो भी कहीं किसी का डेथ सर्टिफिकेट बनाना है ऐसे सब साइन में नहीं हो पा रहा है। जैसे हमारे मूलतः जो यहाँ पे हमारे पंचायत में जो दिक्कत आ रहा है कि पिछले बार सरकार आपके द्वारा आया था तो कृषि
प्रधानमंत्री कृषि जो योजना के तहत जो पैसा आ रहा है, जैसे बहुत का शिकायत है कि 10 किस्त हम लोग पाए, पिछला अभी जो 2 किस्त आया है वो उससे पूरा का पूरा ये पंचायत वंचित है। मतलब मेरे नेपुरा पंचायत में किसी को इनका पैसा हिट किया नहीं है, ये सम्मान निधि जो आया है। तो इन लोगों ने जाके ब्लॉक में पता किया तो पता चला कि इनका फॉर्म ही नहीं आया। तो इन लोगों का ये चीज़ कहना है कि जो कि जिसको 10 किस्त मिल चुका है, 2 किस्त इस बार कहाँ चले गए। ये बहुत ज़्यादा इन लोग में रोष है, थोड़ा परेशानी में है मेरे पंचायत के जो भी लोग। तो अभी जब यहाँ पर अफसर आते हैं, जैसे कि आप वीडियो साहब आए हैं, सीओ के प्रभार में खुद हैं वो, तो उन लोगों से सवाल क्यों नहीं किया जाता? गांव आकर के यहाँ पर जब ये चीज़ें कर रहे हैं तो उनसे सवाल क्यों? देखिए, सरकार सबसे पहले है कि वो कोई चीज़ का रिक्रूटमेंट भर्ती नहीं निकाल रही है। अभी हमारे सीओ साहब यहीं पे हैं, सीओ मतलब एक आदमी वीडियो साहब से मिलिए तो पता चलता है कि आप 4 पदाधिकारी से मिल रहे हैं। वीडियो साहब ही सीओ हैं, सीओ ही एमओ हैं, एमओ ही सीडीपीओ हैं। तो कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा जिला उन्हीं को थमा दीजिए ना, जितना विभाग है। अभी उनसे पूछिएगा तो हो जाएगा, वो बस यही बोलेंगे हमारे कर्मचारी जो है धरना पे बैठे हुए हैं। अभी यदि कुछ अभी मान लेते हैं कि अभी वृद्धा पेंशन करना है, विधवा पेंशन करना है, तो पंचायत सचिव का दस्तखत चाहिए उसमें। पंचायत सचिव, अब मुखिया जी को बोलिए, वीडियो साहब को बोलिए, तो और ऑनलाइन जो करता है उनसे बात कीजिए तो बोले पंचायत सचिव हमारे धरना पे है, जो बीएलडब्ल्यू जनसेवक हैं पिछले 2 दिन से धरना पे है। तो सरकार जो चीज़ आप नियम लागू करते हैं उसको धरातल पे इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, थोड़ा उनका भी दिक्कत है, क्योंकि सरकार से उनको हर एक चीज़ समय पे नहीं मिल पाता है, जिसके कारण जनमानस को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। हम लोग को बहुत खुशी है कि हेमंत सोरेन जी का यहाँ सरकार आपके द्वार कैंप लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन दुख का बात यह है कि हम लोग एक किसान हैं और हम लोग का सारा खेती चौपट हो चुका है, लेकिन आज कर्मचारी जी यहाँ आए तक नहीं है, नहीं पहुँचे हैं। चलो दुखड़ा किसको कहेंगे, कौन सुनेगा हमारा? जिस जिस चीज का कैंप लगाया वहाँ काम हो रहा है सुचारू रूप से। हाँ, ये काम हो रहा है, लेकिन जो मेरा मेन खेती संबंधी तो कर्मचारी जी ही करेंगे, लेकिन खुद नहीं है। बताइए हम किसको फॉर्म देंगे, कौन लेगा मेरा? तो यहाँ वीडियो साहब भी आए हैं, उससे सवाल नहीं किया? वीडियो साहब तो सीओ साहब हैं, कहते हम तो चार्ज में हैं। देखिए, बहुत खुशी की बात है कि सरकार आपके द्वार कार्य को, लगता है यह 4th बार होगा। सर, अभी आप यहाँ नेपुरा में हैं और कैसा चल रहा है यह कार्यक्रम आपके द्वारा? कार्यक्रम चल रहा है, स्टॉल लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं, समाधान हो रहा है। लेकिन जनता कह रही है कि ये सिर्फ मतलब पूरी तरह से जो उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही है इस कार्यक्रम में। ऐसी बात नहीं है, हर एक काम हो रहा है, सप्लीमेंट हो रहा है।